हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कांग्रेस सरकार में जनता त्रस्त, सरकार मस्त। देवर, प्रदेश की कांग्रेस सरकार की जन विरोधी नीतियों तथा बिजली की दरों में बेतहाशा वृद्धि, फ्यूल सरचार्ज के नाम पर वसूली, कोरोना मरीजों से निजी अस्पतालों में हो रही लूट, किसानों को बिजली बिलों में दी जा रही सब्सिडी बंद, किसानों के फर्जी VCR भरकर लूट, टिड्डियों के हमले से बर्बाद हुए किसान, रोजाना प्रदेश में बढ़ता अपराधों का ग्राफ, बेरोजगार युवाओं के साथ धोखा, गायों के नाम पर उगाए गए सेस की राशि का गबन जैसे गंभीर मुद्दों को लेकर जालौर जिले के भाजपा जिला अध्यक्ष श्रवण सिंह राव बोरले के नेतृत्व में रानीवाड़ा एवं जसवंतपुरा उपखंड मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर देवल ने कहा कि ये सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है। पंचायत राज की स्थापना से लेकर अब तक के इतिहास में पहली बार लगभग एक साल से ज्यादा समय से ग्राम विकास की सबसे छोटी इकाई पंच सरपंचों के चुनाव तक नहीं हुए हैं। पंचायतों का बुरा हाल है, ना तो पंचायतों के पास पैसे हैं और ना ही कोई विकास कहीं पर दिखाई दे रहा है। बारिश के कारण सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क, पता ही नहीं चल रहा है। सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को सड़कों को ठीक करने को कहते हैं तो उनका जवाब होता है कि विभाग के पास मेंटेनेंस के लिए पैसे ही नहीं है। किसानों को अल्पकालीन फसली ऋण नहीं मिल रहा है। भाजपा और किसान संघ के दबाव में सरकार ने घोषणा तो कर दी थी कि डिफॉल्टर किसानों को ऋण देंगे, लेकिन किसान डिफॉल्टर कैसे हो गया जबकि आपने अपने घोषणा पत्र में संपूर्ण कर्ज माफी की बात कही थी। इसलिए या तो आपने कर्ज माफी नहीं की या फिर किसान डिफॉल्टर नहीं है, दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। धरने को भाजपा जिला अध्यक्ष श्रवण सिंह राव बोरली, पूर्व जिला अध्यक्ष अमीचंद जैन, जिला महामंत्री प्रकाश परमार, जिला उपाध्यक्ष बैरूदान चारण, जिला मंत्री मंजीराम चौधरी, जिला मंत्री उप सिंह परमार, रानीवाड़ा मंडल अध्यक्ष रिटबल सिंह डाबी, बड़गांव मंडल अध्यक्ष बाबूलाल पुरोहित, करडा मंडल अध्यक्ष तुलसाराम मांझू, जसवंतपुरा मंडल अध्यक्ष दौलत सिंह कलापुरा, रामसीन मंडल अध्यक्ष रमेश रावल ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर पूर्व मंडल अध्यक्ष रामसीन शांतिलाल सुथार, हेमाराम विशोई, भगवान सिंह चेकला, दिनेश सेन, जसवंतपुरा एवं रामसीन मंडलों के सभी पदाधिकारी, भाजपा कार्यकर्ता, पूर्व पदाधिकारी एवं आमजन उपस्थित रहे। जागरूक टीवी के लिए रानीवाड़ा से मदन माहेश्वरी की रिपोर्ट।